आज सुने शनिवार काली माँ की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटप नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। ये दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदिशक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदिशक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटप नाम के असुरों को देखते हैं, तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक ये घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदिशक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदिशक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्तबीज को भेजते हैं। असुर रक्तबीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी वहाँ उतने ही असुर रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगी। वरदान के फलस्वरूप माँ आदिशक्ति जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्तबीज के घाव से रक्त की धारा की बूंद बूंद से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर माँ आदिशक्ति माँ महाकाली के रूप में वहाँ अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहाँ अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट किया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना, सारे रक्त को खप्पर में भर कर पी जाओ। माँ महाकाली और अन्य देवियाँ असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्तबीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। माँ ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, दक्षिण काली, त्वम काली, कालरात्रि, भद्रा काली, महाकाली, श्मशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। दूसरी कथा। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतन मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतन वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वन वाली एक और दिव्य नारी को प्रकट किया। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूत से देवी की स्तुति की। तब देव से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। मानकाली को नीलरूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं।
नारद पांच रात के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। ये सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो गई और उनकी देह से एक शोची विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ।